नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धोरिया। भारत में एक बार फिर कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अलर्ट हो गई है। सीएम योगी ने प्रदेश में अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, लखनऊ में टीम 9 के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि नाइट कर्फ्यू का हर हाल में कड़ाई से पालन कराया जाए। उन्होंने आदेश दिया कि पुलिस टीम हूटर बजाकर समय से पहले ही एक चेतावनी जारी कर दे ताकि 10 बजे तक दुकानें बंद हो जाएं। सीएम योगी ने कहा कि लोग रात के समय बाजारों में अनावश्यक ना घूमें और जो भी अनावश्यक सड़क पर दिखे उसे तत्काल ही घर भेजने की व्यवस्था भी की जाए। आपको बता दें कि टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि कोविड के अन्य राज्यों में बढ़ते मामलों को लेकर हमें बेहद ही सावधान रहना होगा। सभी जिलों, खासतौर से अन्य राज्यों को जोड़ने वाले बॉर्डर के जिलों में हमें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। सभी जिलों में अब भी कोविड प्रोटोकॉल का बेहद कड़ाई से पालन किया जाना जरूरी है। आपको बता दें, प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या अब 400 से कम होकर 345 हो गई है, जो दूसरे प्रदेशों से काफी बेहतर है। दूसरे राज्यों में यूपी की तुलना में कई गुना ज्यादा नए केस रोजाना सामने आ रहे हैं। वहीं सीएम योगी के कुशल नेतृत्व में लिए गए कई फैसलों से उत्तर प्रदेश में सक्रिय केसों की संख्या तेजी से घटी है। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश से काफी कम आबादी वाले अन्य राज्यों में अभी संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा सका है। सक्रिय केसों की बात करें तो जहां उत्तर प्रदेश में सक्रिय केस रोजाना कम हो रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में 49,752, केरल में 159,355, कर्नाटक में 19,784 और तमिलनाडु में 18,603, बंगाल में 9,217 और तेलंगाना में 6,276 कोरोना के एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।